जय माता दी। राधे राधे। आज इस देवी षष्ठी की कथा। प्राचीन समय में त्रिभुवन नाम के एक राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे। तपस्या में इनकी विशेष रुचि थी, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्य प्रयत्न के प्रभाव से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। राजा की भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें खीर प्रदान की और खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने पर भी वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छाया गई। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान को रेशमी वस्त्र से अनुपम शोभा बढ़ रही थी। वह अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों व पुष्पों की माला से सजा हुआ था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्ज्वल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी और वे मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वे मूर्तिमती कृपा ही हों। देवी को सामने दे राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति की। उस समय वे स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से देदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, सुशोभने कांते शुभ्रते वरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पति देव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? तुम स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने वाली वे भगवती देवसेना थी। पूर्व समय में देवता दैत्यों से परास्त हो चुके थे। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर और देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध किया था। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी, राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जन प्रिया, दारिद्र्य धन तथा कर्मशाली पुरुषों कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। ये सब कर्म का ही फल है। गुड़ी अंगहीन अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित रूपवान रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण कर्म ही है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी होता है। अतएव राजन कर्म सबसे बलवान है, यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से
खेल खेल में ही उसे पुनर्जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। यह देख राजा के कंठ ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से बेदुक्त वचन कहा, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कलावतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण होंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक सौ अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सभी इसका सम्मान करेंगे। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। यह धनी गुड़ी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन तथा योगी ज्ञानियों एवं तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान करेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली। इस प्रकार भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नचित होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और पुत्र विषयक सारा वृतांत सभी को कह सुनाया। ऐसी प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तभी से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन 21वें दिन तथा अन्नप्राशन के शुभ समय पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी। सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया और राजा प्रियव्रत भी स्वयं इनकी पूजा करते थे। भगवती देवसेना का ध्यान पूजन और स्तोत्र इस प्रकार है जो प्रसंग सामवेद की कौथुमी शाखा में वर्णित है। शालिग्राम की प्रतिमा कलश अथवा वट के फूल भाग में या दीवाल पर पुत्तलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपी इस भगवती की पूजा करनी चाहिए। विद्यमान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करें। सुंदर पुत्र कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली हे देवी जगत की माता हैं। श्वेत चंपक के समान इनका वर है। ये रत्नमय भूषणों से अलंकृत हैं। इन परम पवित्र स्वरूपी भगवती देवसेना की मैं उपासना करती हूँ। विद्यमान पुरुष इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इन साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य अर्घ आचमनीय गंध पुष्प धूप दीप विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम षष्ठी देव्ये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। तदंतर मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवी को प्रणाम करे। जो पुरुष देवी के उपर्युक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 100,000 जाप करता है उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला निम्न स्तोत्र वेदों में गोप्य है। षष्ठी देवी का स्तोत्र नमो देव्यो महादेव्ये सिद्धे शांतये नमो नमः शुभाये देवसेनाये षष्ठी देव्यो नमो नमः वरदाये पुत्रदाये धनदाये नमो नमः सुखदाये मोक्षदाये षष्ठी देव्यो नमो नमः शक्ति षष्ठा स्वरूपाये सिद्धाये च नमो नमः मायाये सिद्धयोगिन्ये षष्ठी देव्यो नमो नमः पाराये पारदाये च षष्ठी देव्ये नमो नमः साराये सारदाये च पाराये सर्वकर्मणां वाल्धिशास्त्री देव्ये च षष्ठी देव्यो नमो नमः।
कल्याणदाये कल्याणाय फलदाये च कर्मणां प्रत्यक्षाय च भक्तानां षष्ठी देव्यो नमः नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषा सर्वकर्मसु देव रक्षण कार्यदे षष्ठी देव्यो नमो नमः। देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शुभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है, माया सिद्धियोगिनी सारा शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है, बालकों की अधिष्ठात्री कल्याण प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है, अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली तथा सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है, मनुष्य जिनकी वंदना सदा करते हैं तथा देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं उन शुद्ध सत्स्वरूपा देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी तुम मुझे धन दो, प्रिय पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। माहेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का संहार कर डालो। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुपूजिते तुम भूमि दो, प्रजा दो, विद्या दो तथा कल्याण एवं जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को एक वर्ष तक श्रवण करता है वह यदि अपुत्री हो तो दीर्घ जीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो एक वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका यह स्तोत्र सुनता है उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान वंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुड़ी विद्यमान यशस्वी दीर्घायु तथा श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकवंध्या अथवा मृतवत्सा नारी एक वर्ष तक इसका श्रवण करने के फलस्वरूप भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता एक मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है।